अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। माशाल्लाह से मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, बड़ा सुहाना मौसम हुआ है, सैरो तफरी वाला मौसम हुआ है। ये ठंडा ठंडा जून का महीना स्टार्ट होने लगा है जी। कल खैर से जून भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हुआ है, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। गर्मी भी थी, गर्मी एकदम हुई थी भी मई में ही लास्ट में, तो हिला दिया उसने गर्मी ने सबको, लेकिन फिर मौसम अच्छा हो गया, शुक्र है अल्लाह का। अब देखें आगे क्या होता है। बारिश हो रही, रात से बारिश हो रही है। बच्चों को कह रही थी मैंने, कहा दोपहर के हांडी वांडी का कि ला के दो, सिलेंडर में भी गैस भरवाओ जी। ठहरों मैं देती हूँ। मैंने कहा सिलेंडर में भी गैस भरवाओ, हांडी पकाने के लिए भी लेकर आओ, क्योंकि सिलेंडर की गैस का बिल्कुल भी नहीं पता चलता किस वक्त ख़त्म हो जाए। लहसुन भी ख़त्म हो गया था, ये थोड़ा सा रह गया था लहसुन। मैंने कहा ये भी बना लेती हूँ, फिर बाद में मंगवाएंगे लहसुन भी अदरक भी, और इकट्ठा बना कर मैं पीस के रख लेती हूँ। अब ज़रा बस ये थोड़ा सा ही है, ये देखो ये बनाती हूँ। नीचे हो रहा है शोर, बच्चे करके आए जी ग्रॉसरी थोड़ी सी। और ग्रॉसरी में क्या आया, सिर्फ पत्ती साबुन है, ये कॉटन बैड शैम्पू है, और ये है जी डाल्डा ऑयल, और एक फिनाइल की बोतल जो मैंने वहाँ रखी हुई है वो सामने नज़र आ रही होगी नीचे, वो ये नीचे रखी हुई, ये एक फिनाइल की बोतल है। कितने का अंदाजन राशन होगा। अभी दालें शाले कुछ नहीं है इसमें, सरफ नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, चावल नहीं है, ये 7000 की चीज़ें आई हैं, यकीन जाने समझ नहीं आ रही। ऑयल ही नहीं मान में, ऑयल ही इतना महंगा, 3200 का तो खाली ऑयल है। अभी मैंने आटा भी मंगवाना है, देखें क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह बेहतर जानता है। एक महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है गरीब की, बाकी अल्लाह ताला है जी करम करने वाला। तो सब ये रखती हूँ चीज़ें, ये फिर लाइफ बॉय का शैम्पू ले आए। तो पहले ही बोल रही थी बहन उसकी कि लाइफ बॉय नहीं इस्तेमाल करना, आते हैं अभी चेंज करवाती हूँ इसको। और सरफ, हाँ सरफ नहीं है, सरफ ही मंगवाना है, सरफ भूल आया ये। अच्छा जी हांडी भी मैंने चढ़ा दी है ज़रा कुकर में, तो आलू गोश्त बना रही हूँ, ठीक है। और ये एहसान लाए थे जी आलू बुखारा, ठीक है, नया फल आ गया माशाल्लाह से, अल्लाह ताला जजाए खैर दे इंसान को। जब कभी नया फल आता है ना साल का, तो हमारे घर ज़रूर आता है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना आता ज़रूर है वो। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। इस मामले में मैं कहती हूँ ना, मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं भाई। ये लें जी आलू बुखारा भी धो के ले आई हूँ, और बैटरी हो गई लो, ज़रा मैं वो चार्जिंग पर लगा दूँ मोबाइल, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ले जी मेरा खाना भी पक चुका था, आलू गोश्त का सालन बनाया मैंने, ठीक है। और ये आलू बुखारा मैंने दिखाई दिया, आलू बुखारे ख़त्म हो रहे हैं, ये हसीब के हिस्से के, आपने ना खाए अभी हसीब, हाँ तो खा लो, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, ये चार दाने जो रखे हुए, ठीक है। तो चले जी अब मुझे दे इजाज़त, इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फिर मान ला जी, अल्लाह हाफिज़।